नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन भारत। मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। आज रामविलास पासवान की पहली बरसी है। राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा थी कि तमाम नेता जो हैं निश्चित तौर पर श्री कृष्णापुरी निवास, जो पटना में श्रद्धेय स्वर्गीय रामविलास पासवान का निवास है, उस पर जरूर पहुंचेंगे। लेकिन जैसा कि पता था सबको कि नीतीश कुमार तो नहीं पहुंचे, लेकिन तमाम बड़े दिग्गज नेता जो हैं वो वहां जरूर पहुंचे हैं। भाई मुझे उसकी कोई जानकारी नहीं है। मैंने अपनी तरफ से मैंने पूरा प्रयास किया, आप सब के माध्यम से भी मैंने उनको निमंत्रण भिजवाया। कल मेरे साथी भी वहां पर गए उनके दरवाजे पर निमंत्रण देने। संभवतः शायद वो किसी ने वहां पर स्वीकार नहीं किया, पर देखिए मैं हमेशा मानता हूँ कि ऐसे लम्हे होते हैं जो कि राजनीति से ऊपर होते हैं। मेरे नेता के साथ वो समकक्ष रहे, मैं उम्मीद जरूर करता हूँ कि वो जरूर आएंगे और दो मिनट हमारे नेता को श्रद्धांजलि मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जरूर देंगे। श्रद्धांजलि मुख्यमंत्री ने दी है, हो गया। पासवान को अपने घर पर नीतीश कुमार ने श्रद्धांजलि दी। उनका परिवार, उनका अंश यहाँ पर है, उनका चल चित्र यहाँ पर है, उनके तमाम समर्थक जो उनमें विश्वास रखते हैं वो यहाँ पर है। सही मायनों में अगर मुख्यमंत्री की सही में अगर उनको श्रद्धांजलि देना चाहेंगे तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जरूर आएंगे। देखिए ये हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी के लिए जनता का प्यार है, और यही प्यार हमारे नेता ने हमेशा अपने कार्यकर्ताओं को, अपने साथियों को, बिहार वासियों को, देश की जनता को, ये प्यार उन्होंने हमेशा दिया। और इसी का परिणाम है कि आज जो जन सैलाब आप देख रहे हैं उनकी बरखी के कार्यक्रम में आज जो एक अपार जन सैलाब यहाँ पर उमड़ कर आया है, ये अपने में दर्शाता है कि हमारे नेता अपने लोगों से कितना प्यार करते थे और ये लोग उनसे कितना प्यार करते हैं। आज लगभग साल भर हुआ हमारे नेता को गए हुए, पर आज भी हर एक व्यक्ति की आंखें नम है, उनको याद करके हर एक व्यक्ति की आंखों में आंसू हैं। आज मैं जिससे भी मिल रहा हूँ, जिस भावुक गले के साथ, आंखों के साथ, जिस नमी के साथ हर व्यक्ति मिल रहा है, ये अपने में दर्शाता है कि हमारे नेता के लिए लोगों के मन में कितना प्यार है। प्रधानमंत्री जी ने स्वयं, उन्होंने जो आज सुबह संदेश अपना भेजा, उस पत्र में भी उन्होंने स्पष्ट तौर से यही लिखा कि मेरे लिए ये बहुत भावुक दिन है। प्रधानमंत्री भी जहाँ एक तरफ हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी को याद करके भावुक हो रहे हैं, वहीं पर वो उनको याद कर उन्हें अपना मित्र बता रहे हैं। तो ये तमाम बातें दर्शाती हैं कि हमारे नेता ने एक ऐसा प्रभाव देश भर में छोड़ा है कि आज उनके जाने के बाद भी लोग उनको उतनी ही आत्मीयता से और उतनी ही भावुकता के साथ, उतने ही सम्मान आदर प्यार के साथ उनको याद कर रहे हैं। नहीं, एक एक करके तमाम जितने भी लोगों के पास मैं गया हूँ निमंत्रण देने, तमाम आ रहे हैं। 1 बजे से अभी कार्यक्रम था ही, और उससे पहले ही मैं धन्यवाद करूँगा महामहिम राज्यपाल जी का कि उन्होंने आकर इतना समय यहाँ पर दिया, प्रसाद वो लेकर यहाँ से वो गए और इतनी देर वो बैठे, परिवार के तमाम सदस्यों से महामहिम जी मिले। और अभी जैसे कार्यक्रम की शुरुआत ही है, धीरे धीरे तमाम और सम्मानित सदस्य, कई सांसद यहाँ पर आ चुके हैं, कई विधायक, कई विधान पार्षद यहाँ पर आ चुके हैं। मैं अपनी तरफ से, अपने परिवार की तरफ से बहुत ही विनम्रता पूर्वक हाथ जोड़कर जहाँ उन सब का आदर सम्मान करता हूँ, वहीं आने के लिए मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। तो आपने सुना, ये चिराग पासवान थे, बड़ी नम्रता से हाथ जोड़कर कहा उन्होंने कि मैं अभी भी, मुझे इंतजार है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार निश्चित तौर पर आएंगे, लेकिन अब देखना यह है कि क्या नीतीश कुमार का दिल देर रात तक पसीजता है या नहीं। यदि पहुंचेंगे तो हम वो भी खबर आप तक लेकर आएंगे। आप बने रहिए नेशन भारत के साथ। नेशन भारत चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए। नमस्कार। लेटेस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल नेशन भारत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि कोई खबर छूट न पाए।